हेलो दोस्तों, जय श्री राम। सबको उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। वेलकम टू आवर अनदर व्लॉग, अनदर ट्रिप। और जैसा कि कई दिनों से प्लान चल रहा था, हमने बताया नहीं, लेकिन अभी प्लान लेट हो गया थोड़ा। नहीं, लेट तो नहीं हुआ, जिस हिसाब से हम प्लान कर रहे थे उस हिसाब से जल्दी प्लान हो गया। बड़ा मुश्किल प्लान हुआ। और अभी हम बैग वगैरह रख रहे हैं गाड़ी में और ट्रिप इज ऑन। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले। तो हमारा बैग फर्स्ट रखो, पहले रखो। रख दे भाई, रख दे। और जल्दी जल्दी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग अब आने वाले हैं। आप देख सकते हो हम ट्रिप पे जा रहे हैं। अभी सामान रख लेते हैं अपने और निकल जाते हैं, क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। 2 घंटे लेट चल रहे हैं हम। 2 घंटे हमें निकलना था, उससे 2 घंटे लेट हम। लेकिन चलो जो भी है, जल्दी से सामान रख लेते हैं और गाड़ी तैयार है अपनी। तो बड़ी मुश्किल से सामान जचाया, देख लो। अभी एक बैग आना बाकी, बैग टेढ़े सीधे रखे हुए हैं। एक बैग और आना बाकी है और एक भाई अपने को रास्ते में ज्वाइन करेगा। दोस्तों टाइम हुआ है 8:01 पूरा, और अब निकलते हैं। हमें निकलना था 6 बजे और 2 घंटे हम लेट हैं। अपने साथ पहले हरीश भाई से तो आपको आज मिला ही नहीं। जय श्री राम भाई, जय श्री राम सबको। और एक बारी घर से निकलते हैं, फिर रास्ते में आपको बताएंगे कि हम जा कहाँ पे रहे हैं। तो जय श्री राम, जय श्री राम राम, जय श्री राम। तो मैंने सोचा पहले घर से निकलते ही ना टैंक फुल करवा लूँ, क्योंकि आगे अब सीधा चंडीगढ़ जाके रुके, क्योंकि दूसरा भाई अपना जो है, जो रास्ते मिलेगा, वो चंडीगढ़ पहुँचने वाला है बस। तो वो वेट ही करेगा 1-1.5 घंटे मेरे हिसाब से, क्योंकि वो तो 1 घंटे पहुंच जाएगा। और यहाँ से 250 किलोमीटर है, तो हमें कम से कम 3 घंटे तो लगेंगे, कम से कम 3-3.5 घंटे। बाकी यहाँ से टैंक फुल करा के फिर सीधा चंडीगढ़ ही रुकेंगे। 4000 में टंकी फुल हुई है, क्योंकि इसमें पहले 1500-2000 का पेट्रोल तो पड़ा ही था गाड़ी में। बाकी आगे डीजल, आगे चंडीगढ़ डलवा लेंगे ना डीजल का पेट्रोल। मैं अभी क्या ठंड में, जुबान ही ठंडी होगी, बोला नहीं जा रहा। रेंज दिखा रहा है 718, मतलब तकरीबन 718 दिखा रहा है ना। तो अभी आप घर से निकले हैं, इसने अपनी एवरेज पकड़ी नहीं है, तो 800 किलोमीटर की रेंज मान के चलो। ये तो घर से निकलते ही सो गया, यहीं पे ही सो गया। तो ये आगे पता नहीं, अब गाड़ी इसको चलानी है यहाँ से निकले। इसको तो देख के ना मेरे को दिमाग में ही आता है, मन नहीं मेरा लाड़ ले अपने हो रहे नशे। निकले जल्दी, मजाक हंसी मजाक आगे करेंगे। तो दोस्तों ना ज्यादा हवा करते हुए आपको बताते हैं कहाँ पे जाएंगे। हरीश बता भाई कहाँ पे जा रहे हैं। मन्ना ना मेरा लाडले मेरे हरे नस्से। अच्छा, ये तो एक मीम के पीछे पड़ा है। वो मीम नहीं, एक लड़के की वायरल हो रही थी वो बस स्टैंड पे। तो हम जा रहे हैं दोस्तों मनाली ट्रिप पे, और अभी हम चंडीगढ़ के लिए निकले हैं, क्योंकि चंडीगढ़ हमारा जो एक भाई है, मैंने आपको बताया है, वो चंडीगढ़ मिलेगा, चंडीगढ़ आ रहा है, वो पहुंचने वाला है 1 घंटे में। उससे बात हुई है अपनी, तो 1 घंटे वो पहुँचेगा, हमें तो अभी टाइम लगेगा। और ऊपर से आगे धुंध भी बहुत आ रही है, तो चंडीगढ़ से भाई को पिक करके फिर हम आगे निकलेंगे मनाली के लिए। अब मनाली देखते हैं पहुंचा जाए, जहां तक पहुंचा जाएगा। हमारा ये है कि आराम से अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, हमारे ये नहीं है कि भाग भाग के ऐसे रास्ते कवर कर देने जल्दी जल्दी ब्लॉक के चक्कर में। नहीं, आराम से जहां तक गाड़ी चलाई जाएगी, आराम से सुबह सुबह में 7-8 बजे तक, रात को मतलब, तो वहां तक ही चलाएंगे गाड़ी। जहाँ पर अपना मन किया वहाँ पर रोक के गाड़ी होटल ले के सो जाए। कोहरा देख सकते हो आप, नहीं देख सकते हो क्योंकि फोन में इतना कैप्चर नहीं कर रहा जितना आंखों से, बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी बिल्कुल कम है। और
मैं थक गया थोड़ा सा, मेरे को चंडीगढ़ से आगे भी गाड़ी चलानी है हिमाचल में, तो मैंने सोचा अभी एक बार हरीश को देता हूँ तो मेरे को आराम मिल जाएगा। चंडीगढ़ अभी 120 किलोमीटर रहा होगा है ना, चंडीगढ़ से 120 किलोमीटर पीछे हम, तो एक डेढ़ घंटा लगेगा। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। अब हरीश चला रहे, देखते हैं चलानी है तो डानी को नहीं। चंडीगढ़ क्रॉस कर लिया है हमने और ये शायद रूपनगर, रूपनगर के पास है हम, आगे जा रहे हैं और यहाँ पे चाय नाश्ता करने के लिए रुके हैं। खाना ज़्यादा हैवी हो जाएगा, खाना मन तो खाना खाने का ही है लेकिन इतना हैवी खाने का मन नहीं है क्योंकि ड्राइव करते हैं ना, तो ज़्यादा ऐसे रोटी सब्जी सब कुछ खाने से ना अजीब सा मन हो जाता है। तो यहाँ पर रुके हैं, ढाबे का नाम मैं बताऊंगा तब जब हम यहाँ पे खाना खा लेते हैं, एक बारी नाश्ता जो भी कर लेते हैं वो अगर सही लगा तो ही बताएंगे, ऐसे तो बताने क्या फ़ायदा ऐड करने का। बाकी जो मैंने बोला था आपको, हमारा दूसरा भाई चंडीगढ़ में मिलेगा, वो हमने चंडीगढ़ से ले लिया था पर हमें जल्दी निकलना था, हम लेट हैं तो हम रुके नहीं। मिलो कई देर होगी चलते हुए, रास्ते दिखाई जा रहे हैं, बात नहीं की इसलिए सोचा एक मिनट बात भी कर लें आपसे। पेट्रोल डलवाने रुके थे, वैसे तो 400 किलोमीटर की रेंज थी लेकिन हमने सोचा फिर से टैंक फुल करवा ले, आगे पता नहीं कहाँ पे पेट्रोल पंप मिले ना मिले क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ ना, हम सारे ही पहली बार जा रहे हैं। तो अंदाजा देखे तो मंडी से हम लगभग 90-100 किलोमीटर पीछे हैं, और कोई पूछे तो उसको यही बता रहे हैं, एक दो का फोन आया तो उनको यही बता रहे हैं कहाँ पे हो, हमने बोला पहाड़ा चे बस, और पहाड़ा भी हमें देखने को भी नहीं मिले हैं, जब हमें देखने को मिलेंगे तो आपको भी दिखाएंगे ब्लॉग में, हमारी भी कोशिश यही है कि पहाड़ दिखे जल्दी से। भाइयों आपको एक चीज़ दिखा दूँ। पहुँच लिया रे पहाड़ा से, आगे आगे भाई आगे, जिधर हो रहा लगे मेरे तो भाई का जिधर होना लगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जाम लग रखा है, छोटा मोटा जाम है तो ही लगता रहे, बन पता लग नहीं, मैं आन लग रहा हूं तो मन देखने वास्ते भीड़ होगी, तन बेरो है यहां पे भी फैन बहुत है। जय श्री राम के झंडे हैं। देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है, पहली टनल है दोस्तों, ये हमारी पहली टनल है और कई सारी टनल आएगी। मैंने भाई ने पूछा था, भाई पहले आके गया था तो उसने बताया था अभी 8-10 टनल आती है, मेरे हिसाब से पता नहीं, ये पहली टनल है। हेलो गाइस, पार्ट टूट गया इधर से। हेलो गाइस तो नीचे दिस लग गया, हेलो ब्रो, ये तो नीचे दिस लग गया है ब्रो बारे आ गए, अब तो दिन सा निकल गया, अंधेरा वो दिन हो गया, तो दोपहर हो रही है, हो रहा था रेंज आवाज हां तो गई ब्रो, ये क्या है पता नहीं ब्रो, कोई यहां से मिट्टी चक के कुटी बना गया यहां पे, इतनी ऊंची ऊंची कौन मारता है, भर्ती कराने वाली है यहाँ पे, अगर मकान ले तो इधर इतनी भर्ती होगी, मकान भी अंदर दब जाएगा इसे, नहीं तो नहीं इतना पैसा मकान में लगे, इतना भर्ती ब्रो इस साइड खड्डा है क्या, खाई है इस साइड, खाई है क्या, खाई नहीं है खड्डा है, नहर है। सेकंड टनल आ गई है, ये वहां से फर्स्ट टनल के निकलते ही बिल्कुल आधा किलोमीटर के बाद ही है ये। हम अभी मंडी पहुंचे हैं, मंडी क्रॉस कर ली है हमने, लेकिन वैसे देखे मंडी के एरिया में है और हम मनाली के लिए निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने सोचा अभी इतना लंबा सफ़र तय किया थकान हो गई तो कॉफ़ी पी रहे हैं एक बार, तो कॉफ़ी मैगी भी सोची थी लेकिन इतनी जल्दी क्या है, हमने सोचा मनाली पहुँच के वहाँ पर आराम से बैठ के मैगी खाएँगे, और पीछे व्यू देखो आप, बैठ कोई नहीं रहा यहाँ पर, बैठने के लिए बोला है यहाँ पर अलग से लिए है, लेकिन तो फोटोग्राफी की लगी है और व्यू देख सकते हो दोस्तों पीछे, मन नहीं मेरा लाड ले अपना हो रहे नशे, खाओ माँ के से। तो दोस्त मनाली जा रहे हैं, रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक भाई से पूछा था क्या कि बस ख़राब हो रही है, तो भाई कितना टाइम लगेगा वो पता नहीं अभी,
ये देखो भाइयों नीचे दिखा रही है, नीचे जो सिटी है वो देखो कितनी बढ़िया लग रही है। और ये जाम लग रखा आगे तक, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। वो नीचे दिखाई दे रही है क्या, कमी दिखाई दे रही है, वहाँ तक लग रखा जाम, लगभग 1-2 किलोमीटर का तो है ही जाम। दोस्तों बुरा हाल है, मेरा बोलना हुआ कि रास्ते खाली पड़े हैं, कई कई देर बाद गाड़ी मिल रही है और सारी गाड़ियाँ एक साथ ही मिल गई। देखो कितना लंबा जाम, 1 घंटे से ऊपर होगी और हम सिर्फ कितना 100 मीटर इतना ही आगे हुए होगी गाड़ी। तो मैं तो भाई हरीश को गाड़ी दे के आगे आ गया, देखने के लिए क्या देखने के लिए बैठा बैठा थक गया मैं। नीचे देखो कोई डैम वगैरह है शायद, देख रहा हूँ मैं आगे कोई बन रहा है। दोस्तों अभी हम मनाली में हैं, टाइम हो रहा है 10:15 और टेम्परेचर है -6 डिग्री और रूम ले लिया है। रूम टूर करवा दें आपको, एक वो रूम है एक ये रूम है, दोनों एक जैसे रूम है। ये देखो ये बड़ा सा और ये हरीश, ये बेड, ये नवीन भाई। कौन बना रहा है कॉफी है, खाना खा गया है यार, भूख लग रही है। और ये है बार का व्यू, मेन रोड है और नीचे गाड़ी नहीं दिख रही, मेन रोड का व्यू। वैसे दोस्तों मनाली में रात को सड़कों पे घूम रहे हैं और पीछे हमारा ये होटल है, द मैपल ट्रीट नाम है इसका। और हमने उनका जो शेफ है वो बीमार है आज, और हमें भी खास मन नहीं किया उनके वहाँ पे खाना खाने में, तो हम अलग से रेस्टोरेंट में आए हैं। उसके सामने रेस्टोरेंट था, ओपन ही था, तो ऑर्डर दे दिया है बाहर। बस ऐसे ठंडी हवा लेने आए हैं क्योंकि गाड़ी में भी गर्मी गर्मी उमस हो जाती है ज़्यादा, तो बाहर के जो टेम्परेचर है यहाँ का नेचर है उसमें ढलने के लिए थोड़ा घूमे फिरेंगे यहाँ पे पहले। बाकी सुबह प्लान करेंगे क्या करना है। भाई साहब हमने कोई प्लान नहीं किया है, कुछ प्लान करके नहीं आए हम, हमें बस ये पता है मनाली जाना है। पता नहीं पहले कहाँ पे जा रहे थे भाई, और कह रहे थे कसोल चलते हैं, उधर चलते हैं, कुल्लू चलते हैं। मैंने तो मनाली नाम सुना था, यहाँ पे आ गया मैं, पर यहाँ से जो माल रोड है वो 1.5 किलोमीटर आगे है। हाँ तो बाकी एक अपने ये भी फायदा है कि अपने जो ये होटल है इसके रेस्टोरेंट क्या बोलते हैं इसको, वो क्या बोलते हैं इसको, ओ भाई जिसमें आप रूम लेके रुकते होटल ही बोलते हैं ना उसको, रेस्टोरेंट तो खाने वाला हो गया ना, होटल हो गया जिसमें रुके हैं उसके पास में ही ना। ये आप देखो ना पिज़्ज़ा हट है और कॉफ़ी है, कॉफ़ी वाला भी है, KFC है, तो ये फ़ायदा अपने घूम रहे हैं। बाकी यहाँ पे आके सोने वाला तो क्या काम है, नींद तो मेरे को घर पे नहीं आती, यहाँ पे आके तो क्या सोऊंगा मैं। सुबह उठ के देखें क्या करना है, अभी तो खाना खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। सुबह घर से खाना खा के निकले थे, रास्ते में एक जगह खाना खाया था, पर कितने ड्राइव की और रास्ता आपको पता ही, आप आए होगे मनाली तो आपने देखा होगा रास्ता, एक जगह जाम लगा था, 1.5 घंटा लग गया निकलने में। बाकी अपने भाई और अंदर बैठे हैं, खाना आ गया शायद ना, आ गया, चलो खाना खा लेते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं। तो जादू आया हमारे साथ, जादू जादू बोले गए। ये देखो इनके काम, देखो दो 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 रिजाई मिली है, दो दो गरम कंबल, फिर भी ये देखो लेके घूम रहे हैं। सिस्टम है अच्छा, आइए मेरे रूम में, खोली रूम को। धूप चाहिए, गेट खोलने के लिए धूप चाहिए। जादू को धूप चाहिए ना, चाबी का भी। अरे कहाँ डाल लियो चाबी सबके सब। अरे कहाँ गए भाई, हम फर्स्ट, हम फर्स्ट। तो दोस्तों टाइम हुआ है रात के 12:15 और अब बस सोने जा रहे हैं। गाड़ी में थोड़ा सामान सा लेने आए थे,
कितना टेम्परेचर -3 डिग्री है और यहाँ पे पता कि हमने अभी तक कोई स्नोफॉल नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ लेकिन कल का बोले 26-27-28 तीन दिन स्नोफॉल बता रखी है, तो अगर स्नोफॉल आई तो किस्मत है। हाँ हमारी किस्मत है, अगर स्नोफॉल आई तो देखने को मिलेगी। स्नोफॉल आई तो इस सीजन की फर्स्ट स्नोफॉल होगी। और एक गार्ड इन्होंने बहुत बढ़िया बिठा रखे हैं, वफादार गार्ड है ये। और अभी तो बस सोना जाके 12 बज गए, नींद तो पहाड़ी गार्ड सही बोल, मैंने कुछ और ही सुना हो यार। पहाड़ी गार्ड है। अच्छा देसी ये पीछे पहाड़ दिख रहे होंगे आपको? ना दिख रहे, नहीं दिख रहे ना, नहीं दिख रहे, अभी भी नहीं दिख रहे, परछाई दिख रही है बस। झूमर तो जोर के यार, झूमर अरे झूमर खोल कर लेके जाना रहा ब्रो, ये खोल लेते हैं नहीं मेरा लाड ले, तू खोल ब्रो गार्ड बता देंगे हम। तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइस, ये अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं मनाली और आपको जितना उसका अभी तक हमने भी कुछ नहीं देखा, बस होटल पे रुके ही हैं, खाना खाया है, सोएंगे। अब लेट हो गए रात को 9:30-10 बजे तो पहुँचे हैं हम, अब रात को तो क्या ही देखेंगे। रीच भाई कहना चाहते हैं कुछ, बोलो बोलो। इस सीरीज को देखते रहना अब। हाँ इस सीरीज को देखते रहना क्योंकि मजा आने वाला है, मजा आने वाला है, सही में, सही में मजा आने वाला है। बताऊँ कैसे? क्योंकि स्नोफॉल होगी तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। स्नोफॉल होगी तो हम भी देखेंगे, आपको दिखाएंगे, हमने बोला है हम ऐसा जो चीज़ हम देखेंगे ना आपको वो दिखाएंगे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि हमने देख लिए और व्लॉग बनाना रह गया, भूल गए ऐसे वैसे बोल के व्लॉग, ऐसे वो बात नहीं है। जो हम एक्सप्लोर करेंगे अपने लिए वही आपको दिखाएंगे, और आपको तो आपके लिए एक्सप्लोर करें, आपके लिए इतनी दूर आए हैं यहाँ पर सर्दी में, और देख लो बुरा हाल हो रखा है, अंदर स्वेट शर्ट है, कोट पहन रखा है, मफलर। और मज़ा इसलिए आने वाला है क्योंकि और वो लोग आते हैं यहाँ पे, उनको एक्सपीरियंस है यहाँ पे, वो पहले भी आके गए हैं, उनको बहुत से एक्सपीरियंस होंगे, लेकिन हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेह लद्दाख गए थे, लेह लद्दाख में गया था लेकिन बाय प्लेन गया था, बाय रोड नहीं गया था। बाय रोड पहाड़ों में ज़िंदगी में पहली बार गाड़ी चलाई है, और ये ऊपर वाले कृपा है, चलो सेफ पहुँच गए और सेफ जर्नी रहेगी। जय श्री राम सबको। ये सीरीज़ देखते रहे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो ना, कर लो मेरे लिए तो कर लो, एक सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जो मन करे आपका करो, मौज करो, मस्ती करो, हमारे ब्लॉग देखते रहो। ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल आपको मनाली के सीन, मनाली दिखाएंगे आपको, कब दिखाएंगे हमको कुछ नहीं पता, हम क्या दिखाएंगे आपको, पर हाँ दिखाएंगे ज़रूर। अब पहुंच गए हैं तो एक्सप्लोर तो करेंगे, ऐसे तो नहीं गए यहाँ पे आगे घूम के चले गए। तो ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। जय श्री राम।